नमस्कार दोस्तों, बिहार ऑन स्पॉट में हम मधुबनी शहर के अंदर हैं और मधुबनी का शहर के अंदर का आपको हाल दिखा दें। जो लोग मधुबनी के हैं वो इस शहर को पहचानते होंगे और जानते होंगे कि ये गली कौन सी है, ये रास्ता कौन सा है। तो ये देख लीजिए, हम स्टेशन रोड से निकले हैं, इधर सकरी वाले रास्ते में हैं। यहाँ से सकरी 15-16 किलोमीटर बताया जा रहा है कि है यहाँ से, और ये शहर का इलाका है मधुबनी शहर। और यहाँ से हम आपको लिए चल रहे हैं आगे, और ये सदर मधुबनी SDPO का कार्यालय इस तरफ, और ये गेस्ट हाउस है मधुबनी का, जिला अतिथि गेस्ट हाउस। और ये रास्ता काफ़ी बिजी है, ऑफिस का टाइम होने जा रहा है तो इसलिए काफ़ी व्यस्त हो गया है, बाइक चटपट दौड़ रही है। और इधर जिला पदाधिकारी का कार्यालय है, तो ये काफ़ी VIP इलाका है। जिला सत्र न्यायाधीश का कार्यालय भी धरी है, आवास भी धरी है। और ये मधुबनी, यहाँ पर एक मस्जिद है, भगवाड़ा जगह का नाम बताते हैं, भगवाड़ा ये जगह है, कोतवाली चौक है ये। और ये देखिए मार्केट का एरिया है कोतवाली चौक में, और तमाम तरह के यहाँ पर भीड़ भाड़ नज़र आ रही है। और यहाँ पर देखिए कुछ जाम भी है, समस्या है, रुकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, मधुबनी यात्रा आपको दिखा रहे हैं बिहार ऑन स्पॉट पे, और हम कोतवाली चौक क्रॉस कर रहे हैं, मधुबनी स्टेशन वाले रोड से होते हुए इधर आए हैं मार्केट में। और ये काफ़ी समझिए मधुबनी के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच चुके हैं शहर के, और यहां पर कहीं कहीं पर पानी भी दिखाई दे रहा है, बारिश के कारण सड़क पर पानी है। मधुबनी यात्रा में दिक्कत भी आ रही है क्योंकि भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक है, बीच बीच में पानी है, तो समस्या आ रही है। लेकिन फिर भी जो है वो ग्राउंड रिपोर्ट तो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो रुकती कहाँ है वो तो आपको दिखानी है। और इस समय मधुबनी शहर को दिखा रहे हैं हम आपको, बीचों बीच जो रास्ता गया है ये इधर पुलिस केंद्र है इस तरफ मधुबनी का, और ये रास्ता सीधे सकरी की तरफ जाता है। तो हम अभी ये यात्रा आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से सकरी 13 किलोमीटर है, और इस तरह से हमारी बाइक सर पर दौड़ रही है। और हम पहुँच गए हैं राम चौक, या दोस्तों राम चौक भगवाड़ा बोलते हैं जगह को, राम चौक भगवाड़ा। और यहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं, मधुबनी के लोग देख लीजिए अपने शहर को कैसा है, जहाँ भी हैं आप, देश दुनिया में कहीं भी किसी कोने में हैं, देख लीजिए आपका मधुबनी शहर कैसा है, और पहचानिए अपने इलाके को। अगर आप इस इलाके के हैं तो आपका ही शहर है, जो पिछले दिनों बंधक बना हुआ था लॉकडाउन के कारण, लेकिन अब हालात बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से धीरे धीरे अब शहर की गहमा गहमी खत्म होती जा रही है, और धीरे धीरे अब ये यहाँ निधि चौक बोलते हैं, निधि चौक आ गए हैं। और हमें यहाँ पर अपनी बाइक थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी। तरीके से चूंकि वन वे है रास्ता, इसलिए ड्राइव करना डेंजरस है, और हम एक हाथ से शूट कर रहे हैं एक हाथ से ड्राइव कर रहे हैं। तो हालांकि ये खतरा जो है वो नहीं लेना चाहिए मोल, आप लोगों से हम आगाह करेंगे कि इस तरह का खतरा आप ये मोल ना लें। लेकिन चूंकि ग्राउंड रिपोर्ट्स है तो हमें दिखानी है, तो हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। यहाँ से सकरी 12 किलोमीटर है,
और अभी भी हम शहर के अंदर ही हैं और ये इस तरीके से यहाँ से अब लगता है कि शहर पीछे छूट रहा है और अब धीरे धीरे खेत खलिहान नजर आने लगे हैं। तो हम लगातार आपको अपनी यात्रा दिखाते रहेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट तमाम शहरों की, बिहार यात्रा, और आपके शहर वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और बिहार ऑन स्पॉट को अपना प्यार देते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।